अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आइंदा आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके, और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है रिएक्शन शॉर्ट हो, पॉइंट टू पॉइंट हो। अच्छा जी, सबसे पहले हम सीधा बात कर लेते हैं। बीना ने एक रिएक्शन दिया कल के कौसर ने, जो है वो अपने हाथ की नस काट ली। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर कोई अपने हाथ की नस काटता है तो सीधा सीधा एक पुलिस केस होता है, और हाथ की नस काटने का मतलब ये होता है कि वो आप उसको फर्स्ट एड नहीं दे सकते। आप उसको घर पे अगर फर्स्ट एड देंगे भी तो आप उसकी ब्लीडिंग नहीं रोक सकते। हाथ की नस काटना इट इज़ वेरी सीरियस यू नो इशू, तो आपने फौरन जाना चाहिए था आपको करीबी अस्पताल अगर ऐसा वाकया रोनुमा हुआ है। और अगर आप करीबी अस्पताल जाएंगे तो ये एक पुलिस केस बन जाएगा। अस्पताल में फौरन इस चीज़ में पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया जाता है और पूछा जाता है कि सुसाइड क्यों भाई, क्यों अटैम्प्ट किया है, ऐसी क्या वजूहत थी, इसके पीछे कौन था। तो ये सारी चीज़ें थी। ये देखिए, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग ऐसा अटैम्प्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये अटैम्प्ट हुआ होता तो इसको फर्स्ट एड के ज़रिए घर पर नहीं रोका जा सकता। या अगर कोई डराने के लिए, ये तो इनकी फैमिली में नॉर्मल है। अब मैं किस किस का नाम लूँ कि कौन है ऐसा जो ये अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना चाहा, या जिसने इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं की और अब सेल्फ हार्म नहीं पहुँचाया अपने आप को, ये इनकी फैमिली में ये तो इनकी परम्परा रही है कि जहर पी लेना और ये सब कुछ कर लेना, बकवास ड्रामेबाजी। तो मैं इसको यही कहूँगी। अच्छा, तो बीना ने एक्चुअली ऐसा एक वाक्य रोनुमा हुआ नहीं था, जबकि बीना कह रही है कि वहाँ पे जो मौजूद थे चश्मदीद गवाह जो थे वो हेरा थी, उनकी वालदा थी और एक और औरत थी, कोई मर्द तो वहाँ था नहीं, जो मदनी था वो भी अपने फार्म हाउस में होता है। तो ये खबर जो है वो हेरा ने दी होगी इनको, बीना को। अब बीना इतनी सीधी मासूम नहीं है, मैं आपको बताऊँ कि अगर कहा जाए कि वो भाई बोलपन में आके रिएक्शन दे रही है, पूरा एक गेम है। एक बात होती है कि कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, तो ये सारा वो ड्रामा है। ये सितारा यासीन इसमें कोई आप कौसर को विक्टिम, सितारा यासीन को बुरा नहीं दिखा रहे इसमें जो है ना, या कौसर बुरी नहीं दिख रही, आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और असल में सारी जो अब जो गैंग अप किया जा रहा है हेटर्स का, सब जो है वो सितारा यासीन की तरफ ही आ रहा है कि वो इतनी जालिम है कि उसकी वजह से जो है वो कौसर ने जो अटैम्प्ट किया और इस तरह की देखो कितनी ज्यादती हुई, कितना ये हुआ। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि शगुफ्ता ने एक रिएक्शन दिया, और शगुफ्ता ने कहा कि ये जो खातून है कौसर, ये मेंटली अनस्टेबल हैं। अच्छा, ये मेंटली अनस्टेबल हैं और इनके कुछ बिहेवियर इन्होंने ऐसे बताए कि जिसकी वजह से मुझे भी शक हो रहा है कि शायद ये मेंटली अनस्टेबल है, या इसकी कुछ कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से जो है ये ज़्यादा YouTube पे नहीं आती। वरना इनके ख़ानदान की तो ये परंपरा रही है कि हर कोई YouTube पे चैनल बना रहा है। ऐसी कौन सी वजूहत हैं कि कौसर जो है वो YouTube पे चैनल नहीं बना रही है? ठीक है ना, वो साजिश से डर रही है। आप एक बात नोट कीजिएगा कि वो साजिद से डर भी नहीं रही है, साजिद उसको मना भी कर रहा है कि चैनल्स पे मत आओ, लेकिन वो आ रही है, वो इन सब चीज़ों में घुस भी रही है, वो ये सारी चीज़ें कर रही है। पहले तो मैं शगुफ्ता से कहूँगी, शगुफ्ता अब आप इस बात को प्रूफ करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, और अगर आप ये प्रूफ करने में कामयाब हो गई, 50% आपकी बात मैं भी मान रही हूँ कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है, 50% आप और प्रूफ करें कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो वो लड़की औरत है वो मेंटली अनस्टेबल है। अच्छा, तो फिर तो ये अब आप एक बात सोचिएगा, अगर एक औरत मेंटली अनस्टेबल है तो ये तो धोखे की शादी हुई ना। अगर साजिद ने उनसे शादी करना चाहा, और उनके खान, जैसे साजिद ने अपने रिएक्शन में भी कहा कि उसको कोई बात समझ नहीं आती है, मैं जितना भी समझाऊँ उसको समझ नहीं आती है कौसर को, और कभी कभी उसका जो स्क्रीन पे जो उसके इमोशन होते हैं, कभी हंस रही होती है, अजीब सा बिहेव कर रही होती है। देखिए, दो किस्म की बीमारियाँ होती हैं, ये लोग नॉर्मल लगते हैं लेकिन ये नॉर्मल होते नहीं है, शिज़ोफ्रेनिया होता है और एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। इसमें पर्सनैलिटी चेंजेस होती रहती हैं आपकी, और आप मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं होते। अगर तो शी इज़ अनस्टेबल, तो मैं हेटर से कहूँगी कि आप मुझे बताइए बहैसियत औरत होके, अगर कोई मेंटली, क्योंकि ये आपकी तरफ से ही बात आई है, ये हम ये मैं तो सितारा सपोर्टर या हेटर हूँ नहीं, मैं अपना एक फेयर रिएक्शन दे रही हूँ, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ी हूँ जैसे कहा जाता है। तो बहरहाल, अगर तो ऐसा मामला है तो मुझे बताइए बहैसियत औरत होके, एक मेंटली अनस्टेबल औरत कैसे अपने शौहर के साथ रह सकती है?
वहाँ की अजौजियत भी अदा नहीं कर सकती है। अब अगर वो साजिद के साथ रहेगी तो देखे मैं इमरान खान का ये डायलॉग ज़रूर बोलूँगी कि आदमी है कोई रिपोर्ट तो नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि वो हक़ अजौजियत अदा नहीं कर सकती। और फिर हमने देखा कि उस एक प्रेगनेंसी में भी उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन आई, तो ऐसी चीज़ें वो जब नहीं कर सकती और शहर के माहौल में जो है वो ये सब चीज़ें उसको नहीं बर्दाश्त है, इनको अपनी एक जो एक सर्टेन लाइफ है ये उसी में एडजस्ट होना चाहते हैं और ये अपना माहौल जो है वो चेंज नहीं करना चाहते, वरना औरतें बड़ी खुश होती हैं शहर में आके। अच्छा, दूसरा मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच रही थी, इनकी उम्र भी ज़्यादा है कौसर की, और जबकि हमने इनके ख़ानदान में देखा है कि 16-17 साल की लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, तो ऐसे क्या वजूहात थी कि इनका रिश्ता किसी ने नहीं लिया कौसर का? ऐसी क्या वजह थी कि कौसर की शादी नहीं हो सकी? और फिर इनके जैसे साजिद की ये मंगेतर थी और फिर किसी वजह से साजिद से इनकी शादी नहीं हो सकी और किसी और ने भी शादी नहीं की, और साजिद जो है बहुत अरसे शहर में रहे और उनको इनकी मेंटल कंडीशन के बारे में नहीं पता होगा, इसीलिए इनके ख़ानदान वालों ने जो है इनकी शादी साजिद से, मेरे ख्याल से एक धोखा ही है अगर आपको ये बताना चाहिए था उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में। तो ऐसे में शौहर भी जो है वो उकता जाता है ऐसी औरतों से, और दूसरी बात यह कि वो औरतें भी जो है वो इस मियां बीवी के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, और ये चीज़ें हमें नज़र आई हैं। सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉइंट क्लिक करते हैं तो ये क्लिक करता है कि कौसर चैनल क्यों नहीं बनाती है, जबकि चैनल तो हर कोई बनाता है। तो बहरहाल मैं शगुफ्ता से यही कहूँगी कि शगुफ्ता इस बात को प्रूव कीजिए, क्योंकि आप ये बात लाई हैं और किसी तरह हद तक 30-40% मुझे भी लग रहा है कि ऐसा कोई मामला है। और जबकि जो इंग्लिश टीचर हैं साजिद की भतीजी, मैं उनको इंग्लिश टीचर का नाम दे देती हूँ, इंग्लिश टीचर जो हैं वो भी यही कह रही हैं कि इंग्लिश फटीचर टीचर जो भी हैं वो भी यही कह रही हैं कि आए दिन वो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं। तो अगर तो उनकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है तो वाकई उनको फिर अलहदगी अख्तियार कर लेनी चाहिए और उनका इलाज प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए और उनका प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को देखना चाहिए। अब दूसरी बात रही कि कौसर के भाई का भी जो है वो रिएक्शन आया और उसमें उन्होंने काशिफ को कहा कि तलाक की जिम्मेदार देखिए, मैं मुझे नहीं लगता तलाक होना इतना आसान काम है, क्योंकि जिस कदर चलाक इनके बहन कौसर के भाई और ये वालिद हैं तो इन्होंने यकीनन कोई बहुत ही तगड़ी शराइत पे जो है वो निकाह किया है, और मुझे लगता है कि हक महर वगैरह बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको पे ऑफ करना होगा अगर साजिद कौसर को छोड़ेंगे तो। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मसला होगा, साजिद अभी गांव जाएंगे और ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात ये, हेरा को मैं यही एडवाइस करूँगी कि बहुत ही बुरी दिख रही हैं आप, यकीन करें जब बच्चे बड़ों के मुँह को आते हैं ना, देखिए बड़े आपको कुछ भी कहते हैं वो बड़े ही रहते हैं, जब बच्चे बड़ों के मुँह को आते हैं तो वो बदतमीज़ दिखते हैं, बदतहजीब दिखते हैं। तो आप जो है वो बदतमीज़ और बद तहजीब दिख रही हैं जिस तरह से आप बड़ों को जवाब दे रही हैं और जिस तरह से आप चीज़ें कर रही हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, या बड़ी बुरी एक कहते हैं ना ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा है कि सितारा की ट्रोलिंग कैसे स्टार्ट हुई, सलमा की ट्रोलिंग कैसे स्टार्ट हुई, तो अगर आप भी ऐसी अपनी ट्रोलिंग करवाना चाहती हैं, क्योंकि ये बेरहम जो है वो माशरा है, ये जो यूट्यूब की दुनिया है बेरहम दुनिया, यहाँ पे आपकी ट्रोलिंग ऐसी की जाएगी कि आप यकीन करें कि आप शायद बहुत ज़्यादा ज़हनी ट्रॉमा का शिकार हो या ज़हनी अज़ियत का शिकार हो। तो इन सब चीज़ों में मत पड़िए, और हमें भी चाहिए कि साजिद का वेट करें, और मुझे यकीन है साजिद जब गांव जाएंगे तो इनके मामलात निमट जाएंगे और वो एक वीडियो में आके अपनी बीवी के साथ ये सारे जो है मसाइल जो है वो हल कर देंगे। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके पास एक सवाल छोड़े जा रही हूँ, क्या आपको लगता है कि कौसर जो है मेंटली डिसेबल है, और अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से उसको जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और फिर उसको साजिद के साथ रहने का कोई जवाब नहीं बनता उसका, अगर वो मेंटली अनस्टेबल है तो फिर वो अलग रहे, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे केसेस में अगर ये ऐसी औरतें
बार दफ़ा जो है हक़ ज़ौजियत भी अदा नहीं कर सकती और उनके ऊपर मेंटली ट्रॉमा होता है, ये सब चीज़ें बहुत प्रेशर होते हैं, तो शी नीड्स ट्रीटमेंट. और अगर वो इसी तरह आके अपनी जो है ब्लैकमेलिंग करेंगी और ये सेल्फ हार्म पहुँचाएंगी, तो जो कोई भी सेल्फ हार्म अपने आप को पहुँचाता है, मैं उसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझती और उसको यहाँ पे प्रमोट नहीं करना चाहिए. बहरहाल ऐसी कोई मुझे नहीं लगा ऐसा कोई अटैम्प्ट हुआ है. अगर ऐसा अटैम्प्ट होता तो फिर ये पुलिस केस है, सीधा सीधा पुलिस केस है. और अगर थोड़ा ड्रामा ड्रामा करने के लिए आपने हाथ वाथ काटा है तो जस्ट यू नो ये एक एक पागल आदमी की निशानी है. एनीवेज आज तक के लिए इतना. कि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.